इस पे पोस्ट कार्ड है कि देखियो यारे, और बिना टिकट के हम आ गए। इनका तेल खत्म हो गया, अब ये भी धक्का मारेंगे अपने इंडिया की तरह। मैं आईफिल टावर तीसरी बार ही आ रहा हूँ आज अपनी लाइफ में। ये स्टेशन है आईफिल टावर का, बिर हकीम। दो दिन बहुत चीप है फ्रांस के हिसाब। फ्रांस के लिए चीप है, इंडियन के लिए चीप नहीं है। अभी टैक्सी तो बिल्कुल ना लेना है यहाँ पे, 4,000 से ऊपर टैक्सी पड़ी। वो पहले 50 यूरो बोला, वो मैं बोला नो 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 गो गो गो। चेक कर यही खड़ा है तो इसमें नहीं जाएंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। हम है अभी मेरी पेरिस में है, यहाँ पे पेरिस में, पेरिस में कोई जगह है उधर है, हम फ्रांस में। अभी हम रुके हुए थे, रितु जी है, रितु जी पानीपत समालखा हरियाणा से है, इनके पास हम रुके हुए थे। मैं और विक्रम, विक्रम जो कि मेरा भाई है, साथ वाले गांव से है, बचपन का दोस्त है मेरा। आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा, जैसे मैं अभी था टर्की, टर्की से पहले जॉर्डन, सीरिया वगैरह, उससे पहले फिर टर्की, और अभी मैं फ्रांस आया था। फ्रांस में रितु जी के पास हम रुके हुए थे, और हमारा प्लान था कि आपके लिए एक वीडियो बनाए जिसमें दिखाई कि फ्रांस कितना महंगा है, हाउ एक्सपेंसिव इज फ्रांस और पेरिस इन पर्टिकुलर। तो हम घर से जस्ट अभी बाहर निकले थे, पास में एक बस स्टॉप है, ट्राम बोलते हैं इसको। इधर से हम ट्राम लेके दो तीन हमें चेंज करनी है, क्योंकि हम पेरिस के बिल्कुल सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा नॉर्थ में है ना, और हमें आईफिल टावर की तरफ जाएंगे और वहाँ पे वीडियो पूरी कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हमें लेकिन ट्राम लेनी है, हमारे पास टिकट है नहीं, मेरे और विक्रम के पास पास नहीं, और यहाँ पे मिल भी नहीं सकता, तो हम बिना टिकट के सफर करेंगे पहले चेकर से बचते हुए, और फिर अगले स्टेशन पे अगर मशीन हुई तो टिकट ले लेंगे, नहीं वहाँ भी बिना टिकट के कर लेंगे, है ना। तो चलो ये है मेरी दे पेरी। मेरी का मतलब क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटी। और इधर की ये म्यूनिसिपैलिटी है, इधर जो भी शादी वगैरह होती है वो इधर रजिस्टर होती है, इधर की नगर पालिका कह लो आप, ये जो बिल्डिंग है। इधर ये क्रिसमस ट्री है जिसके नीचे बक्से रखे हुए गिफ्ट्स के, पर आई एम श्योर ये खाली होंगे वरना विक्रम छोड़ता नहीं। बाहर मास्क वगैरह लगाने ऐसे जरूरी नहीं है, पर मेट्रो में, पब्लिक प्लेस में, आप किसी बंद जगह में जाओ तो वहाँ पे मास्क कंपलसरी है। तो अपन अभी बिना टिकट के करेंगे सफर, ट्रेन की वेट कर रहे हैं। कितनी देर में आएगी, 8 मिनट ऊपर लिखा ना, 8 मिनट, एक और है, एक अगली 8 मिनट में, तो अगली में जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे, इसमें चेक साथ में खड़ा हुआ है इसीलिए हम नहीं जाएंगे। तो भाई काट दो इसमें, अच्छा वो चेकर है, बढ़िया यार, बढ़िया भाई, नहीं फंस जा रही। ये एम्बुलेंस है, इस पे किस तरह चल दिया है, ये आरएटी की गाड़ी है, जो अगर बाय चांस बीच में कोई लड़ाई हो जाए, कोई ट्रैफिक हो जाए, अच्छा, तो ये यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं, इनको अलाउड है, सिर्फ केस पटड़ी पे जा सकते हैं जो रेल वाली है। आरएटीपी बोले तो आरएटीपी मींस हर एक जगह की है ना, जैसे अपने हरियाणा में हरियाणा रोडवेज होगी, हाँ। इस तरीके से इधर फ्रांस में आरएटीपी है, पूरे अच्छा। फ्रांस की जो ट्रांसपोर्ट की बड़े जो टक रहे सारी वोट वही है, भाई बात है। टेम्परेचर हो रहा है -4, दोपहर के बज रहे हैं 1:30, और भयंकर ठंड हो रही है। टोपी पहन के आनी चाहिए थी, मैं जोश जोश में आज सुनाया था, तो मैं सोचा बाल सेट कर लूं, टोपी रहने देते हैं, बहुत दिन मनाया हूं, 2 दिन हो गए। बढ़िया रितु जी ने इतनी बढ़िया सेवा बिठा दी, बेड पे तो ताए दे, आराम दी, बढ़िया चने की सब्जी खुवाई, गैला फिर भांडे भी खुदे मांजे, और फिर चाय पे आई, बहुत स्वाद आ रहे, एक नंबर की हॉस्पिटैलिटी। और विक्रम जाना करता इन्हें रितु जी ने, तो और हमारे कॉमन दोस्त और भी गणे थे। फिर जिस तरह मेरी बात हुई, मैंने इनको लिखा कि भी ऐसे ऐसे मैं आऊँगा, तो बोले कि रुक जाना, मेरा घर खाली पड़ा है, इधर रहते थे उधर एक कमरा खाली था, तो बोले आप मेरे पास रुक जाना। और आपको पता है पेरिस बहुत महंगा है, इधर होटल्स वगैरह काफ़ी महंगे हैं। तो अगले दिन विक्रम को भी आना था हिसार से, हिसार मेरा गांव सलेमगढ़ है, इसका साथ वाला है शाहपुर, हिसार डिस्ट्रिक्ट में, ये भी बैनी वाला है, तो अगले दिन इसे भी आना था। ये रितु जी को पहले जानता था, फिर ये भी आ गया हमारा, मतलब दो तीन दिन से हम साथ है, बहुत मजा आने लग रहा है, और इनको यहाँ की सारी नॉलेज है लोकल, तो हमें घुमा रही, और इतने अच्छे से कोई ट्रीट नहीं करता विदेश में जाके। विक्रम बात बताइए, तेरी मम्मी वाली के कहो थी, कल फोन आया था, बोला वहाँ भी बेड पे चाय आती होगी, वहाँ हमारी तो वही हवा है। भाई नजर मार लो पहला, सारे चक्र तो ना है, नाना यहाँ कोई चक्कर नहीं। बोरो इस तंत्र का है, बोरो इस तंत्र का है।
सब्जी खरीदनी हो कुछ भी खरीदना हो चीप चीजें तो हर हफ्ते यहाँ मार्शे में सबसे सस्ती चीजें सबसे सारी चीजें अच्छी मिल रही है। संडे मार्केट टाइप है क्या? हाँ संडे मार्केट टाइप इसमें हम कह सके हैं। अच्छा ये देखे फ्रूट्स की लग रही है वहाँ पे अगर आप देखेंगे बिल्कुल कपड़े लग रहे हैं वो सारे यहाँ पे मार्शे बोले इसमें। पीछे आप मार्केट से देख रहे हो उधर कपड़े है इधर फ्रूट्स है इनकी संडे मार्केट टाइप है इधर सस्ती चीजें मिल जाती है और बिना टिकट के हम आ गए लकीली नहीं फंसे है ना पहुंच गए। अब चेंज करनी है अब अभी जाके हमें पेरिस के लिए मेट्रो लेनी पड़ती है क्योंकि मेट्रो सिर्फ पेरिस के अंदर चलती है यहाँ। कल भी आए थे तो ना? हाँ, कल भी हम लोग यहाँ आए थे कल भी फ्री में आए थे सारी ना बताओ हम जिस स्टेशन से चढ़े थे ना वहाँ पे पास लेने की मशीन नहीं थी या फिर टिकट काउंटर नहीं था इसलिए हमें मजबूरी में बिना टिकट के आना पड़ा और अब जिधर हम जाएंगे इधर टिकट काउंटर है तो इधर से हम ले लेंगे हमारे पास कोई भी पास या कुछ नहीं है क्योंकि हम कल परसों ही आए थे परसों आए थे है ना वीकली पास या कुछ आप ले सकते हो अभी नीचे जाके रेट बताऊंगा आपको। टैक्सी तो बिल्कुल ना लेना है यहाँ पे एयरपोर्ट से उतरा मैंने टैक्सी के कितने दिए क्योंकि मेरे पास यूरो नहीं थे इनके एयरपोर्ट पे सिर्फ एक ही करेंसी एक्सचेंज थी उस टर्मिनल पे जिधर मैं उतरा था और वो बंद पड़ी थी उसके अलावा एक ही एटीएम था उस टर्मिनल पे वो भी काम नहीं कर रहा था यूरो मेरे पास थे नहीं तो मैंने टैक्सी ले ली कार्ड से वो करके तो 15 मिनट के सफर के मेरे 35 यूरो लग गए इंडिया के 3000 रुपए। विक्रम तेरे कितने लगे थे? मेरे भाई 42 यूरो लगे थे। अच्छा हाँ 4000 से ऊपर टैक्सी पड़ी वो और मजबूरी में लेनी पड़ी बाइक। हाँ पहले 50 यूरो बोला वो मैं बोला नो 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 गो 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 जगह जगह ना इधर लैंग्वेज की प्रॉब्लम जरूर है हालांकि बहुत डेवलप्ड कंट्री है पर इंग्लिश नहीं बोलते इधर फ्रेंच ही बोलेंगे बहुत कम लोग समझते हैं इंग्लिश और कम बोलते हैं। मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहा था इंग्लिश ही बोल लग रहे तू इंग्लिश कद बोलने लग गया वो फ्रेंच में बोल रहे थे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था पर जैसे तैसे करके एक तब आए वो थोड़ा समझ गए। चीफ ब्रेकफास्ट आप लोगों को करना हो तो कैफे और जैसे यहाँ पे बागेट क्रॉसो वगैरह मिलती है फ्रेंच का स्टाइल है फूड तो आप ब्लोंजरी किसी में भी जाए अब 2 या 3 यूरो में अपना पूरा अच्छा ब्रेकफास्ट चीप मतलब कितना 2-3 यूरो 2-3 यूरो बहुत चीप है फ्रांस के हिसाब से फ्रांस के लिए चीप है इंडियंस के लिए चीप नहीं है अभी भी 2-3 यूरो 200-250 रुपए को कह रहे हैं बहुत सस्ता ब्रेकफास्ट अपना मतलब यहाँ पे सस्ता बहुत सस्ता तो नहीं है हाँ पर इनके लिए तो बहुत सस्ता है वैसे जिस हिसाब से रेट है सस्ता है। और एक और बात क्या बता रहा था मैं हाँ लकीली रितु जी को फ्रेंच आती है तो हमें काफी आसानी होगी और भी तारीफ कर दे भाई लैंग्वेज बहुत आती है और फ्रेंच नहीं बहुत बढ़िया उर्दू हिंदी पंजाबी इतनी फ्लुएंट हरियाणवी इतनी फ्लुएंट इंग्लिश सारी लैंग्वेज बहुत अच्छा कंट्रोल है। ये एम का साइन मतलब मेट्रो मेट्रो में जा रहे हैं खुद की फोटो वो पासपोर्ट साइज फोटो वो हर जगह आपको मिलेगी आप पैसे डाले डायरेक्टली खींच सकते हैं। फोटो कितने की होती है इधर आमतौर पे? तकरीबन 4-5 यूरो में आपको 10-12 फोटो मिल जाती है पासपोर्ट। अच्छा 400-500 रुपए में 4 या 5 फोटो मिल जाएगी ये ठीक है पर थोड़ा महंगा है कोई बात है कन्वीनियंस कम्स एट अ कॉस्ट कोई नहीं अब यहाँ पे वो लेते टिकट इसकी ये रख €15 की 2 टिकट है दीर है इनका तो पास है अपने को इधर टिकट डालनी है और ये इधर से निकल के आ जाएगी और अब ये खुल जाएगा। ये एक दिन की टिकट है जिसकी कीमत थी 7.5 यूरो 2 टिकट मेरी और विक्रम की 15 यूरो में 2 टिकट आई है ये रात के 1 बजे तक वैलिड है एक दिन के मतलब 600 रुपये करीब एक दिन का आपका पास है जिसमें आप ये हर जगह यूज कर सकते हो ट्रेन में ट्रैम में बस में जो भी इनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। अगर आप 3 दिन या 3 दिन से ज्यादा के लिए आ रहे हो तो आप वीकली पास दो क्योंकि वीकली पास 22 यूरो का है 22 के क्या बन गए 1900 22 यूरो वाला जो पास है वो इंडिया की 1900 रुपए का है जिसमें आप 1 हफ्ता ट्रैवल कर सकते हो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ट्रेन में ट्रैम में बस में। ट्रांसपोर्टेशन महंगा है महंगा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी महंगा है अपने इंडिया से कंपेयर करो तो बहुत ही महंगा है और मैं पिछले जिन देशों में था वो सस्ते देश थे काफी तो इधर आके एकदम मुझे लग रहा है चीजें काफी महंगी है और इंडिया इज वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो टॉप 4-5 सबसे सस्ते देश है दुनिया के उसमें से एक इंडिया है। पेरिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन द वर्ल्ड वर्ल्ड की जो आप 8-10 सिटीज देखोगे उसमें सबसे महंगी सिटीज में पेरिस आती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगा जरूर है पर टैक्सी से फिर भी सस्ता ही है क्योंकि टैक्सी आप लोगे इधर हम जाते तो कितने लग जाते 25-30 यूरो आपके लिए लेता टैक्सी वाला अगर आप जाते तो और यहाँ से किलोमीटर कितना होगा 15-20 किलोमीटर होगा ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर होगा
तो 15-20 किलोमीटर के 20 से 30 यूरो ले लेते हैं वो, आप लगा लो हिसाब इंडिया के 2 से 3 हजार रुपए इतने से सफर के। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही महंगा है, पर हाँ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से सस्ता ही है, टैक्सी से सस्ता ही है। अपन लोग है ना अभी लादिफोंस चलेंगे। लादिफोंस यहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स है और जितनी डिफेंस है ना सारी अंडरग्राउंड है, सबसे अच्छा एरिया ये भी। इसमें जाना होगा? हाँ इसमें जाना होगा। देखिए एक सीट, आईफिल टावर वाला स्टेशन का नाम है बिर हाकिम। ये बोलते हैं तूर आईफिल, तूर आईफिल फ्रेंच में मतलब आईफिल टावर। भाई आप ना पागल हो गए इंग्लिश के पीछे, बार यूरोपियन कंट्रीज में तो है भी कोई इंग्लिश। हां तो स्पेनिश है, जब जाओ वो तो चेक रिपब्लिक है, चेक है, तो आपने तो इंग्लिश के पीछे तो यहां कुछ नहीं है। किस डाल के टायर ला रखे हैं? नहीं हां यही मैं बताऊं आपको। सीट तो लिए बैठ जाता हूं। एक से रंग की है सारी, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का लॉ है, आप बाहर कोई भी बिल्डिंग चेंज नहीं कर सकते। अंदर अच्छे भले ही मॉडिफाई कुछ भी करें, बट अपन बाहर नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि ये एक तरीके का ब्यूटीफुलनेस है यहाँ की, एक सेम रखा बिल्डिंग। आज के टाइम पर चिमनियों का कोई काम भी नहीं है फिलहाल, फिर भी हर बिल्डिंग के ऊपर चिमनी लगानी, छोट के लिए लगा लगानी। अच्छा धक्के तो ला रखी है। हाँ धक्के तो लगा रखी है। आईफिल टावर है ये देखो, दिख रहा ये स्टेशन है आईफिल टावर का बिर हाकिम। सोरती मतलब एग्जिट, जहाँ भी सोरती का साइन दिखे इसका मतलब भर जाने का राह है। डायरेक्टली निकल कर जगह जगह यहाँ पे छोटे छोटे आईफिल टावर बेचते मिलेंगे, एक यूरो के 5 पीस। एक यूरो में इंडिया के 85 रुपए होते हैं। यो ठीक था। ये देखो ये ऐसे ही सड़कें अपने को इंस्टाग्राम पे दिखती है ना, पेरिस की ये कैफेज वगैरह, बिल्कुल उधर आ गया अपन। आईफिल टावर इसके पीछे, चलो इधर की एक अच्छी बात है, अगर इधर की नहीं सारी वेस्टर्न कंट्रीज की पढ़ी लिखे जो भी देश है, अगर ये बाई चांस लाल भी हो और आप रोड क्रॉस करने लगे, मतलब आप भागे जा रहे हो एमरजेंसी, आपको रोड क्रॉस कर रहे हो, फिर भी गाड़ी वाला रुक जाएगा और आपको जाने देगा पहले। ये रहा सामने बैनीवाल टावर, ओ सॉरी आईफिल टावर। सारे प्राइसेस यूरो में है, तो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और मैं बार बार कन्वर्ट करना भूल जाऊँ, तो आपको बता दूँ अभी फिलहाल के रेट के हिसाब से एक यूरो में इंडिया की 85 रुपये है। तो मान लो कोई चीज़ 2 यूरो की है तो इंडिया की 170 रुपये हो गए। ये देखो ये गाड़ी वाला रुक गया, जबकि यहाँ कोई लाइट नहीं थी, अपने आप रुक गया लोग देख के। रुक जाए तो फिर आप उसे हाथ दे के मर्सी बोल दो, मतलब थैंक यू। मैं आईफिल टावर तीसरी बार ही आ रहा हूँ आज अपनी लाइफ में, और पिछले 2 दिन में आज दूसरी बार आ रहा हूँ। एक बार मैं 2017 में आया था पहला, और एक कल रात को आए थे भाई, एक बार कल रात में आए थे। मोस्टली प्रेफर करना अगर जो इंडियंस है यहाँ तो चीजें कम लेना, क्योंकि बहुत कॉस्टली है। इस पे पोस्ट कार्ड है कि देखियो यारे इनकी कीमत बता दो। मैग्नेट, एक मैग्नेट 2.5 यूरो की इंडिया के 200 रुपए, 5 मैग्नेट 10 यूरो की 850 की। मैग्नेट की रिंग्स वगैरह, पोस्ट कार्ड है 1.25 यूरो का, 100 रुपए का एक पोस्ट कार्ड है। मैं तने भाई इनका तेल खत्म हो गया, अब ये भी धक्का मारेंगे अपने इंडिया की तरह। मेरी सासू को इतनी महंगी मोटरसाइकिल ले ली, तेल तो गला ले। अरे बढ़िया है, बना लो आप भी एक टाइम वही बनाओ। अरे साले गांजा बहुत पी मैं, नहीं जो भी मतलब कपल्स होते हैं वो अपना यहाँ पे लॉक कर जाते हैं। इसमें नाम भी लिखा है, नाम तो कौन लिख रहा है, लिख रखा है
हाँ इसमें नाम लिख के ताले बांध जाते कि भी हम हमेशा ऐसे ही साथ रहे। ये यूरोप में जगह जगह कल्चर है, ब्रिजेस पे और कहीं भी ऐसे ग्रिल्स दिखेगी आपको ऐसे ताले दिख जाएंगे भाई, दो महीने साथ रहेंगे बस। अरे जो इसी से तोतले करे नहीं उनकी सब तोली टूटा करे।